right? Hi. Not hi, assalamu alaikum. Okay. Assalamu alaikum. One, two, three. Assalamu alaikum. फ्रेश फार्म की आइसक्रीम खाने का मजा ही कुछ अलग है. खूबसूरत व्यू, आइसक्रीम विद फ्रेंड्स, पीछे फार्म, व्हाट अ लाइफ. मैसेजिंग में बहुत सारे लोगों ने मुझसे हेल्प मांगी, बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया. एक मेरी वीडियो है जो मैंने गाड़ी के सामने खड़े होकर बनाई है, मेरे ख्याल उस पर आई थिंक 50K व्यू हो गए, अनएक्सपेक्टेड. थैंक यू गाइस. और बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, कुछ लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स भी किए, बट आई डोंट बॉदर. आउट ऑफ 100 इफ 2% आर नेगेटिव, 98 आर पॉजिटिव. खैर, जल्दी से मैं आप लोगों को आज बहुत सारी चीज़ें दिखाऊँगा भी, घुमाऊँगा भी और बताऊँगा भी. मैं अपने यहाँ पर कुछ फ्रेंड्स के साथ आया हूँ और कोई ऐसी गलत बात नहीं है, लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, तो ये मत समझना यार ओ मैंने कुछ गलत काम कर लिया. अब फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, मल्टी कल्चर सिटी है, तो अब हम फ्रेंड्स भी ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पाकिस्तानी बने. तो अच्छा, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन बताता हूँ अपने, अगर आप लोग इस चीज़ को नोट कर लें. बहुत सारे लोगों ने मेरी वीडियो देखने के बाद भी वही सवाल किया कि भाई कितने पैसे लगेंगे या क्या करेंगे. मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, 5 स्टेप हैं. जिन लोगों को ये क्लियर हो जाए शायद आप लोगों के लिए आसानी हो जाए. पहला स्टेप ये है कि जब आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करना है तो सबसे पहला स्टेप ये होगा उसके लिए कि आप लोगों में से जब भी आप अप्लाई करोगे तो आपको 18 साल से ऊपर होना चाहिए. आप 18 साल के बाद अप्लाई कर सकते हो, ये पहला रूल है, लिख लो आप लोग कहीं. दूसरा रूल ये है कि आप लोगों को 18 साल के बाद मिनिमम इंटरमीडिएट स्टडी होनी चाहिए. बहुत सारे लोगों ने बोला, पूछा था मुझसे कि किस उम्र के बाद हम अप्लाई कर सकते हैं. 18 साल सेकंड स्टेप मिनिमम है, इंटरमीडिएट जो FSC होती है. थर्ड चीज़ ये होती है कि आपको IELTS देना है, ठीक है, और IELTS देना उसमें 6 या 6.5 ओवरऑल, नॉट लेस देन 5.5. ये बात याद रख लो, IELTS के अंदर आप लोगों को नॉट लेस देन 6.5 चाहिए, ठीक है. 5.5 पे आएगा, बहुत सारे लोग बोलेंगे हमारा वीज़ा लग भी जाता है, उस पर एलिकोज लगता है, लेकिन आप लोगों का बहुत बड़े चांसेस होते हैं कि वो रिजेक्शन भी आ जाए आपकी. तो गाइस, आप लोग रिजेक्शन हो, 6 महीने आप पैसे जमा करके रखो, आप लोगों को टेंशन हो, इससे अच्छा आप एक ही दफ़ा 6 लेके आ जाओ, 6.5 लेके आ जाओ. ये 3 स्टेप हो गए, FSC, इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट IELTS, ठीक है. उसके बाद 4th स्टेप ये होगा कि आपने तकरीबन 10 से 20 लाख रुपए करने, ठीक है. जब ये 20 लाख हो जाए उसके बाद आपने कंसल्टेंट के पास जाना है. मैंने कंसल्टेंट के लिंक्स नहीं दिए, मुझसे गलती हो गई, मैं आप लोगों को कंसल्टेंट के लिंक्स भी दे दूंगा. नीचे एक कंसल्टेंट जिसको मैं प्रेफर कर सकता हूं उसका लिंक दे दूंगा, है ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन वेबसाइट की, मैं लिंक दे दूंगा नीचे, आप उस पर जा सकते हो. मेरा यूट्यूब चैनल भी मैंने बना लिया है, मुझे कोई प्रमोशन का कोई शौक नहीं है, लेकिन अगर आप लोग उस पर भी देख सकते हो मेरी वीडियोज़ तो आप उस पर भी देख लेना. आज की वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें और भी बताता रहूँगा, साथ साथ चलता रहूँगा. हो सकता है आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन क्योंकि आज मैं घूमने आया हूँ तो आप लोगों को मैं ये चीज़ भी दिखा दूँगा, और हो सकता है मैं एक और वीडियो दिखा दूँ, बनाऊँ जिसके साथ, जिसमें ये ब्यूटीफुल व्यूज़ और क्लिप्स हों, काइंड ऑफ अ व्लॉग. तो अभी के लिए थोड़ा सा इतना ही, बाकी मैं आगे भी हम एक दो और जगह जाएँगे तो वहाँ से दिखाऊँगा. और पानी बहुत साफ़ है, क्लाउडी दिन है आज थोड़ा सा, और इतनी ठंड नहीं है ऐसा लग रहा है, मौसम से देख के बहुत सर्दी हो रही है, लेकिन इतनी ठंड नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत ठंड है. सो ये 3-4 स्टेप, वीडियो भी इंजॉय करें. और आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि देखें इतनी खूबसूरत जगह है, आप लोग आएंगे यहाँ पे तो बहुत खूबसूरती है, आपको आना चाहिए.
इसलिए नहीं कि समंदर यहाँ पे अच्छा है, इसलिए कि यहाँ पे लोग भी अच्छे हैं, इसलिए कि यहाँ पे पढ़ाई भी अच्छी है, इसलिए कि लाइफ लाइफ भी बहुत अच्छी है। बाकी बातें मैं आपको बाद में बताऊँ। स्टे ट्यून्ड। और ये है सोरेंटो बीच, खूबसूरत जगह, और छोटे से वाटरफॉल भी हैं यहाँ पर, खूबसूरत है। और आप लोगों को मैंने चार पांच चीज़ें बताई, चार पांच रूल्स बताए। सबसे पहले एफएससी होना चाहिए, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, 18 प्लस होना चाहिए, और आइल्स में 6 ईच होने चाहिए। आप अप्लाई कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में, अपने माँ बाप से बोलें कि भाई आप लोगों को भेजें दोबारा से। मैं आप लोगों को फिर बता रहा हूँ कि अभी सबसे बेस्ट कंट्री है ये यहाँ पर आने के लिए। 5 या 10 साल बाद यहाँ इतनी सख्ती हो जाएगी जैसे यूके है, वैसे ही बन जाएगा ये भी, कि आप पढ़ें और निकलें यहाँ से और फिर आपको रहने नहीं देंगे। अभी से हम लोगों को फ़ील हो रहा है यहाँ पर कितनी मुश्किल हो चुकी हैं, जो PR के लिए बैठे हैं 5-5, 4-4, 6-6 साल से, उनको जहाँ पहले 6 ईच चाहिए थे, फिर 7 ईच चाहिए थे, अब 8 ईच चाहिए उनको PT और IELTS के अंदर। मेरे कितने ऐसे दोस्त हैं जो 4-5, 5-5, 6-6 साल से बैठे हुए हैं, लेकिन उनके अभी तक 8 ईच नहीं आए और उनकी PR नहीं आई, वो लोग बैठे हुए हैं अभी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग हिम्मत हार दें और यहाँ ना आए, बहुत सारे लोगों की PR आ भी रही है। तो आप लोगों को मैं बस इतना ही बोलूँगा कि गाइस अपनी आप खुद सोचें कि जब मुश्किलात होती है, जब हमारे घर में कोई प्रॉब्लम होती है, जब हमारे पास पानी खाने के लिए नहीं होता, तो आप में से या कोई बाहर में से आके हमारी हेल्प नहीं करता, हमें खुद हेल्प करनी पड़ती है, हमें खुद आगे बढ़ना पड़ता है। अगर आज हम आगे नहीं बढ़ेंगे और आज हम बढ़ के अपने माँ बाप की मदद नहीं करेंगे, ये नहीं कह रहा कि बाहर आके माँ बाप की मदद हो जाएगी, ये ज़रूर कह रहा हूँ कि बाहर आके आपके हालात एज़ कम्पेयर टू जो हमारी कंट्री के हालात चल रहे हैं, जो आपको भी पता है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि हमारी कंट्री बिल्कुल ही गई गुजरी, ऐसा नहीं है। आई लव माई कंट्री, आई लव पाकिस्तान, आई लव ऑस्ट्रेलिया एज़ वेल, बट द थिंग इज़ दैट यहाँ पर आके जो माँ बाप जो हमारे बाप ने 25 साल में या 20 साल में मेहनत करके वहाँ पाकिस्तान में बनाया, हम वही चीज़ यहाँ पर 5 साल में मेहनत करके बना सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। हम लोगों के लिए सब कुछ है, एक दफ़ा PR हो जाए, आपको आराम से यहाँ पर घर खरीद सकते हैं, गाड़ी, जो भी आपका बिज़नेस है आप वो स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत आसानी हो जाती है। और मैं आप सारे स्टूडेंट्स को ये बोलूँगा, बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा यार मैं BS कर रहा हूँ, मैं 5वें सेमेस्टर में 6वें सेमेस्टर में, अगर कोई ग्रेजुएशन कर रहा है तो वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ले, उसके बाद मास्टर्स के लिए अप्लाई कर ले, और अगर जिसने इंटर कर लिया तो वो बैचलर्स के लिए अप्लाई कर ले। बेस्ट सेमेस्टर था समर्स में एडमिशन हो चुके हैं, अब कोई फ़ायदा नहीं है, इसके बाद वाले सेमेस्टर में आप अप्लाई कर सकते हैं। विजन कंसल्टेंसी, मैं उसके थ्रू आया हूँ, मैंने यहाँ पर अकाउंटिंग की है और डबल मास्टर्स किया, अकाउंटिंग, मास्टर्स इन अकाउंटिंग, मास्टर्स इन मार्केटिंग एज वेल। तो मुझसे अच्छा, एक और चीज़ मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने दो तीन जब मैंने वीडियो बनाई उसके बाद से मुझे तकरीबन 300 से 400 लोगों के मैसेज आए। इमेजिन करें अगर मैं हर बंदे को 1 मिनट में भी मैसेज करूँ तो मुझे 400 मिनट लगेंगे मैसेज का जवाब देने के लिए। तो गाइस प्लीज़ माइंड नहीं करिएगा, मैं अपने आप को कोई बढ़ा चढ़ा नहीं रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मेरी इस वीडियो से शायद किसी को हेल्प हो सके। बहुत सारे दोस्त पाकिस्तान में नहीं बल्कि UK में बैठे हुए हैं, दुबई में बैठे हुए हैं, बहुत सारी जगहों पर बैठे हुए हैं, वहाँ से वो लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि हम लोगों को यहाँ आना है अपनी वाइफ के साथ। गाइस सबसे बेस्ट वे है स्टूडेंट वीज़ा, दूसरा बेस्ट वे है आप यहाँ पे SOA लिस्ट चेक करें, इमिग्रेशन वेबसाइट पे जाएं, इमिग्रेशन ऑस्ट्रेलिया पे एक SOA लिस्ट होती है, उसके अंदर अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं या आप सिविल इंजीनियर हैं, अगर वो चीज़ आपकी लिस्ट के अंदर है और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप डायरेक्ट PR अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको 6 ईच चाहिए होंगे, मेरा ख्याल है 6 ईच ही चाहिए उसके लिए IELTS के अंदर, और आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस है लेकिन अवेयरनेस नहीं है, हम लोगों के ना दो किस्म के लोग होते हैं, पहले वो किस्म के लोग होते हैं जो के बोलते नहीं हैं, जो खामोश रहते हैं, जब कभी एक्सीडेंट होता है या किसी के साथ बुराई होती है घर में या मोहल्ले में लड़ाई होती है तो वो खामोश रहते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो उन्हें बोलने नहीं देते कि अगर मैं सच बोल रहा हूँ या मैं कुछ आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मुझे नहीं बोलने देंगे, कि बोलेंगे यार तू गलत बोल रहा है, तू फ्रॉड कर रहा है, या कुछ अपनी रेटिंग बढ़ा रहा है। भाई मैं रेटिंग क्यों बढ़ाऊँगा, मैं किसी के लिए कि मैं मुझे आप लोगों से पैसों की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह का शुक्र है जो मुझे जानते हैं मुझे पता है कि भाई मेरे पास पैसों की ज़रूरत नहीं है।
फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, आप लोगों को लगे ज़रा सा भी कि मेरी वीडियो अच्छी है या आप लोगों के किसी फ्रेंड को हेल्प हो सकती है, तो गाइस प्लीज़ 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 मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा, अपने पेज पे शेयर करें, अपनी वॉल पे शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं कि भाई ये मेरी वीडियो है, आप लोग देख लें। आज भी मैं अगर घूमने आया हूँ तो मुझे आपका दिमाग में था कि मैं आपके लोगों के लिए वीडियो बना लूँ। अभी मैं ये दिखा नहीं रहा कि मैं अच्छी जगह घूम रहा हूँ, या मैं आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ कि अगर मैं कमरे में बैठ के एक वीडियो बना देता तो शायद आप लोग इतना ज़्यादा वो उसको लेते कि भाई ये कुछ अपने आप को बनाना चाह रहा है कुछ। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ आप लोगों का ख्याल है मुझे, मैं इसलिए आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, और मैं ख़ास घूमने के लिए आया हुआ था, लेकिन मैं सोचा चलो आप लोगों के लिए वीडियो भी बना दूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अगर कोई मुझसे मेरे बोलने में कोई गलती हो गई, आप लोगों को समझ नहीं आया, आप लोगों को चाहते हैं कि मुझसे बात करें, मुझे डायरेक्ट मैसेज करते हैं। गाइस मैं अपना नंबर नहीं दे सकूँगा, मैंने काफ़ी लोगों को नंबर दिया था, मैंने बताया, उन लोगों ने बड़ा मिसयूज़ किया। आप लोगों के जो सवाल हैं कुछ भी पूछना है मैं आपको डायरेक्ट मैसेज करते हैं, आप मेरे फेसबुक पेज पे वो डायरेक्ट मुझे मिलेगा, मैं ही यूज़ कर रहा हूँ सर। और कुछ भी नहीं, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फिर एक दफ़ा शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने मेरी वीडियो देखी और मुझे बहुत सारी तारीफ़ें मिली और बहुत सारे लोगों ने हेल्प करी। और फिर बता रहा हूँ एक मेरी वीडियो पे 50K व्यूज़ हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मेरी फेसबुक आईडी है फवाद जावेद 369, और यही मेरी यूट्यूब की भी आईडी है, अगर आप सर्च करें तो आपको मिल जाएगा। आप अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और फिर आखिर में हमेशा की तरह ब्यूटीफुल व्यू के साथ मैं फिनिश करता हूँ वीडियो। Yeah.